तब तक जीव दुखी बना रहता है। अपार धन दौलत होते हुए भी चिंता रूपी ये मेरे से छिन ना जावे, कम ना हो जावे। ये सारा ज्ञान गोष्ठी उस देवलोक में चल रही है कि मानव की स्थिति कैसी हो जाएगी इस लोक में जाकर के। जब चिंता हो जाएगी तो अशांति हो जाएगी, व्याकुलता हो जाएगी, और व्याकुलता के कारण क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। ये मेरा है, ये तेरा है, भाई भाई में विवाद हो जाएगा, पिता पुत्र में विवाद हो जाएगा। जिस धन को वे सुखों का साधन समझ बैठे थे वही एक दूसरे के विरोधी बन जाने का कारण हो जाएगा। हे राम, गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं, यद्यपि कोई भी धनी हो और उसे संतोष नहीं हो तो वह परम दरिद्री ही है, और जो धन से हीन है परंतु संतोषवान है वह ईश्वर है, वह ईश्वर के समान है। जिसको संतोष है, जिसको विषय बंधन नहीं कर सकते, हे राम, जब तक धन की इच्छा नहीं करता मानव, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तब तक भोग रूपी विष नहीं व्याप्ता, जब तक कामना नहीं बढ़ जाती, उसको और भोगने की, उसका संग्रह करने का भाव नहीं उत्पन्न होता, जब तक नहीं होता, तो ये सुख देगी ये धन रुपया पैसा। अगर जो कुछ प्राप्त है धनवास सहित उसको ग्रहण किया जाएगा, तब तक यह धन सुख देगा। अगर कामना बढ़ गई, यह धन मेरा हो गया, अब वो धन भी मेरा हो जावे, यह संपत्ति मेरी हो गई, अब वो संपत्ति भी मेरी हो जावे, यहां से ही अशांति आरंभ हो जाएगी और यहीं से दुखों का आरंभ होगा और कष्टों का आरंभ होगा, और यह मानव के शरीर के साथ उसको रोगी बनाने का कारण बन जाएगा। यह गाथा नारद जी सुना रहे हैं, इस लोक में क्या होगा। पर जब धन की इच्छा उपजती है तब परम विष उपता है, जब धन की और इच्छा उपजाती है तो अनेक प्रकार के विष अपने आप उत्पन्न हो आते हैं जो घातक होते हैं, मानव को नष्ट करने का कारण बन जाते हैं। विपरीत भावना में दुख होता है, और जो विपरीत भावना ये मुझे प्राप्त हो जाए और ऐसा शुभा हो जावे, शंका हो जावे कि ये मुझे प्राप्त नहीं होगी, बाधा हो जाएगी, अब ये शुभा होने से ही दुख आरंभ हो जावेंगे, ये अपने आप मानसिक पीड़ा आरंभ हो जाएगी। अपार धन दौलत होते हुए भी वे वर्तमान सुखों का भी नाश कर देवेंगे, ये कामना, जो वर्तमान सुख जब तक कामना नहीं थी, कर्म योग में रहते हुए कर्तव्य कर्म करते हुए अपने काम काज करता रहेगा मानव, जो कुछ प्राप्त है धनवाद करके उसको ग्रहण करता रहेगा तो वह सुखी रहेगा। अगर अब ये मेरा हो जावे, ये मेरा हो जावे, अब ये मेरा हो जावे, ये भाव उपजते ही दुखों का आरंभ हो जावेगा, कष्ट, तकलीफ, बाधा, विघ्न
यहां से ही आरंभ होंगे। भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, पिता पुत्र में वार्तालाप में तीखापन हो जाएगा। कब? जब तक तक कर्म योग में थे। जो प्राप्त है हे प्रभु तेरा धन्यवाद, ना जाने किसके भाग्य का आ रहा है। जब आ गया मैं करता हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, मुझसे कोई अधिक ज्ञानवंत नहीं, मैंने कमा के दिया, बस यही से दुख कष्ट आरंभ हो जाएंगे, बाधा विघ्न यहां से आरंभ हो जाएगी। ये ज्ञान चर्चा हो रही है इंद्रदेव के दरबार में और वार्तालाप कर रहे हैं नारद मुनि जी, और इस वार्तालाप को सुना रहे हैं। उस वार्तालाप में नक्षत्रों में वास करने वाले स्वयं गुरु विशिष्ट उड़ान भर के उस सभा में जा पहुंचे थे। तो श्री रामचंद्र जी महाराज इस युग में आ गए हैं, मातलोक में आ रहे हैं। तो बाल काल में गुरु विशिष्ट ने ये ज्ञान रघुनाथ जी को देना आरंभ कर दिया। यूं ही नहीं, जब 14 वर्ष का वनवास सुनवाया तो ये गुरु का ज्ञान था कि अगर अब मैंने मदमा मां के साथ कोई तर्क किया कि ये धन तो मेरा है, मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं, ये राजपाट मेरा है, तो लड़ाई झगड़ा अति अधिक हो जाएगा, जो मन की शांति को भंग करने का कारण होगा और परम दुखों का कारण होगा। परम दुख और आत्मा के लिए यह घातक हो जाएगा, आत्मा अधोगति को चली जाएगी। यह सारा ज्ञान गुरु वशिष्ठ से श्री राम ने प्राप्त किया था, तभी तुरंत एक क्षण में जिसके अधिकारी थे राजपाट के, तुरंत अलग हो गए। तब महापुरुषों ने कहा, गुरु कौन अच्छा है जो सकाम कामना सहित रुपया पैसा लेकर कथा कीर्तन करते हैं। रुपया पैसा लेकर, धन लेकर कथा कीर्तन करते हैं, उनमें सार नहीं है, कारणते हैं। मैं कथा करूंगा, मुझे 2-4-5 लाख रुपए आपने देना होगा, तभी मैं कथा करूंगा। गुरु महाराज ने कहा, उनमें सार नहीं होता, ईर्ष्या द्वेष वश दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं, यात्राएं की जाती हैं, उसका भी कोई लाभ नहीं होता। जो परहित परोपकार के लिए कार्य किया जाता है, जो गुरु महाराज परम पूज श्री स्वामी जी महाराज ने किया, ये सब गाथाएं, ये सब मार्ग परहित, अपना कोई मनोरथ नहीं था। जो ज्ञान है उसको कहने में कभी संकोच नहीं किया, किसी डर किसी भय को छोड़ करके गुरु महाराज अपना कथन कहा करते थे। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, जो सत्य है वह सत्य है, इस मार्ग पर चला करते थे। तब अपने जीवन में विपरीतता विचार करके भान करके दुख होता है, और जो दुखदायक पदार्थ है वे सुखदायक जान पड़ते हैं। दुखदायक पदार्थ धन दौलत, ये जब कामना आ जाती है, अब लगता तो ये है मुझे अधिक धन मिल जावे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यहीं पर वह गलती कर देते हैं अज्ञानता के कारण। वह अपार धन दौलत सुख का कारण ना मन के दुखों का कारण बनती है। अगर कामना रख करके कोई भी कार्य इस प्रकार से किया के जो कुछ व्यर्थ है, जो अर्थ है वही अनर्थ है, जिसको संपदा जानते हैं वही आपदा है, जिसको मानव संपदा जानता है ये मेरी संपत्ति है वास्तव में वही आपदा है। समय पर कितनी हानि पहुंचाती है वह संपत्ति,
तब गुरु महाराज ने कहा, हे साधक, तू याचना कर, प्रार्थना कर, जो देवे सब जगत को अन्न पान शुभ प्राण, वही दाता मेरा हरि सुख का करे विधान। सुख चाहता है, अज्ञान वश तू धन दौलत में सुख मान बैठा है, ये तेरा अज्ञान है। ये वास्तव में आपदा होगी अगर कामना सहित तूने धन दौलत एकत्रित करने की ऐसी कोशिश की, वह सुखों का कारण नहीं बन पाएगा। सुख त्याग में है, समर्पण में है। भाग्य का लिखा कोई नहीं छीन सकता, कोई हाथ से ले भी जावे कोई चिंता नहीं।